हेलो एवरीवन हाउ आर यू आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लू स्काई सक्सेस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक में कुछ चेंजेस हुए हैं 2021 में इसमें फोर मेंबर्स एड हुए हैं कौन कौन से बांग्लादेश यू इजिप्ट एंड एंडवे इसलिए ये न्यूज में था और इसलिए इसके करके ये इंपॉर्टेंट बन गया प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको अच्छे से याद कर ले इसके सारे फैक्ट्स मैं तुम्हें बता दूंगा और साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के भी सारे फैक्ट्स उनको बता दूंगा चलो शुरू करते हैं ब्रिक्स एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये न्यू डेवलपमेंट बैंक शुरू किया था इन दर टू थाउजेंड फोर्टीन इन दिक्स ब्रिक्स सबमिट हेल्ड इन फोर्टलिजम जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो ब्रिक्स ने टू थाउजेंड फोर्टीन में बनाया अब ये ब्रिक्स क्या है ब्रिक्स मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है दो हजार एक में बनी थी एज अ ब्रिक टू थाउजेंड वन जिम ओ नील ने यह टर्म क्विंट की थी ब्रिक की ब्रिक का मतलब ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना पर 2010 में एक और मेंबर इसमें ऐड हो गया था तो ये बन गई थी ब्रिक्स कौन सा मेंबर ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका ठीक है तो इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के फैक्ट्स हम देखते हैं टोटल नाइन मेंबर्स है 2021 में ही नाइन मेंबर्स पहले ये जो थे पहले ओनली फाइव मेंबर्स थे इसमें अब इसमें चार मेंबर्स ऐड हुए हैं बांग्लादेश यूएई, एग्वे एंड इजिप्ट इजिप्ट जो है वो लास्ट वन है ऐड होने के लिए जो अभी रिसेंटली ऐड हुए कुछ समय पहले ठीक है और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो 2014 में आया और इसके जो उनसे मेंबर्स हैं मेंबर्स इसके नो मेंबर्स हैं, चार ये योले और पांच ब्रिक्स के मेंबर ब्राजील रशिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका इसकी वोटिंग पावर जो है पहले इसकी वोटिंग पावर ट्वेंटी परसेंट थी हर एक मेंबर के पास फाइव मेंबर के पास अब जो इसकी वोटिंग पावर है वो चेंज हो गई है वोटिंग पावर इसकी बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड पे है जिस बंदे ने जिस कंट्री ने जितना ज़्यादा शेयर कैपिटल लगाया बैंक के अंदर उतनी उसकी वोटिंग पावर रहेगी ठीक है इसका जो हेड क्वार्टर है हेडक्वार्टर इसका चाइना में शेंगई रीजन इंडिया ने इस बैंक से लोन लिया था 2020 में कोरोना के टाइम पे डॉलर वन बिलियन का और इसका एक अपना खुद का ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है डॉलर हंड्रेड बिलियन का जो कि टाइम आएगा बीओपी क्राइसिस के टाइम पे। अगर कोई भी किसी भी कंट्री में बीओपी क्राइसिस आता है जो इसकी मेंबर है तो इसको ये उस कंट्री को ये फंड प्रोवाइड करेगी ताकि वो बीओपी क्राइसिस से बाहर आ सके और ये एक और चीज प्लान करे कि हम सेटअप करें ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम सिमिलर टू शिफ्ट जो कि बैंकिंग में यूज़ होता है कि अगर कोई कंट्री लोन लेना चाहती है तो शिफ्ट अरेंजमेंट के थ्रू उसको लोन लेना पड़ता है और एक और चीज़ ये प्लान करी है ब्रिक्स ब्रिक्स रेटिंग एजेंसी जैसे बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती है जो कंपनीज को रेट करती है कि ये कंपनी अच्छी है बुरी है वैसी ब्रिक्स भी अपना कर, एक रेटिंग एजेंसी खोल रहा है ताकि वो कंट्री जो शेयर मार्केट के जैसे कि शेयर मार्केट में को कोई कंपनी है उसके वो बता सके अच्छी कंपनी है बुरी कंपनी घाटा खाएगी या फ़ायदे में जाएगी ठीक है अब हम आते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक पे जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है वो फाउंड हुआ था इन द ईयर टू थाउजेंड मोर देन हंड्रेड कंट्रीज़ इसकी मेम्बर्स हैं और जैसे कि इंडिया भी इसकी मेम्बर है चाइना भी इसकी मेम्बर है मतलब एशियन कंट्री में तो है ये एशियन कंट्रीज में ये बैंक है और यूके भी इसकी मेंबर है मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी हैं स्विट्जरलैंड भी इसकी मेंबर है ठीक है सारी कंट्रीज से तो मैं तुम्हें बार ये कुछ कंट्रीज़ हैं मतलब एशियन और यूरोपियन रीजन में ये कि कंट्रीज इसकी मेंबर है और इसकी जौन सी वोटिंग पावर है वोटिंग पावर है बेस्ड ऑन शेयर कैपिटल प्रोवाइडेड जो एशिया है एशियन कंट्री के पास इसकी लार्जेस्ट वोटिंग पावर है सेवेंटी फाइव परसेंट इसमें चाइना की लार्जेस्ट है ट्वेंटी सेवन परसेंट और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है सेवन परसेंट इंडिया इसका साथ साथ में बोरअर भी है इंडिया इज अ लार्जेस्ट बोरो इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक पे टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन बताऊंगा उसका आंसर तुम खुद करना और इसका क्वार्टर है बीजिंग में दोनों बैंक का क्वार्टर चाइना में है एक का शंघाई में एक का बीजिंग में इंडिया ने इस बैंक से भी लोन लिया था कितने का डॉलर सेवन मिलियन का करोना के टाइम पे इन दर टू ठीक है अब हम क्वेश्चन करते हैं फाइन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए आई आई बी यूपी पी 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 सू प्री यू पी एस सी प्री टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्वेश्चन पूछा गया ए आई आई बी हैज मोर देन एट्टी मेंबर कंट नेशंस इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन ए आई आई बी ए आई आई बी डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया कोर्ट दिए है ओनली वन टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन टू थ्री कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ये देख लो ये करेक्ट लिखा हुआ है या लिखा हुआ है कई बच्चे गलत कर देते हैं इनकोट लिखा होता है और करेक्ट स्टेटमेंट मार्क कराते हैं जबकि उन्हें आंसर आता होता है तब भी उनके दो मार्क कट जाते हैं बढ़ने के बजाय ठीक है तो इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं पहली जो स्टेटमेंट है वो इसकी सही है अब मैंने तुम्हें बताया कि इसके मोर देन हंड्रेड नेशन इसके पार्टनर है तो इसमें मोर देन एटी लिखा हुआ है तो ये स्टेटमेंट सही होगी इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर नहीं चाइना है तो स्टेटमेंट गलत होगी ए आई आर वी डज नॉट हैव एनी मेम्बर फ्रॉम आउटसाइड जब यूके है तो ऐसा कैसी स्टेटमेंट हो सकती है तो ये स्टेटमेंट भी गंद हो गलत होगी तो इसका सही आंसर है ओनली वन ठीक है फ्रेंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमारे प्रेस बेल लाइकन के बटन को दबाएँ ताकि आप हमारी नई वीडियो के साथ जुड़ सकें थैंक यू हैव अ नाइस डे